कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज एमपी के दौरे पर हैं। नमस्कार, मैं अंजना, स्वागत है आपका द खबरदार न्यूज पे। तो आइए चलते हैं आज की मुख्य खबर पर। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज एमपी के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने अशोक नगर के नई सराय में चुनावी सभा में कहा, भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर पैदल चले, किसानों, युवाओं, माताओं, बहनों से मिला और देश बिल्कुल पास से देखाया। इस यात्रा ने मुझे बदल दिया। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। अगर आप सोचते हो कि एमपी एमएलए सरकार को चलाते हैं तो गलत सोचते हो। बेरोजगारी से लड़ना है तो सबसे पहला कदम जाति जनगणना है, जिसे मैं एक्सरे कहता हूं। छतरपुर में कमलनाथ की सभा में मंच से गिरे दो लोग। केजरीवाल ने कहा, आप देशभक्तों की पार्टी। छतरपुर के बड़ा मलहरा में कमलनाथ की सभा में हादसा हो गया, मंच से दो लोग नीचे गिर गए। दोनों को उठाया गया लेकिन एक युवक 10 मिनट तक बेहोश रहा, उसे अस्पताल ले जाया गया। मंच पर कमलनाथ और रामसिया भारती समेत जिले के आसपास के दर्जनों नेता थे। इस दौरान कुछ और लोग मंच पर चढ़ गए। मंच पर जगह नहीं होने पर कमलनाथ भी नाराज हुए। कार्यकर्ताओं को नीचे उतारते समय दो लोग मंच से गिर गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीजेपी प्रत्याशियों का प्रचार करने भोपाल आई हुई हैं। उन्होंने कहा, कमलनाथ महिलाओं की चीख पुकार की बात करते हैं, वे सबसे पहले सिखों की पुकार सुन ले। उन्होंने कहा कि 5G के कारण मध्य प्रदेश बेमिसाल है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के विधानसभा में दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि शर्मनाक स्टेटमेंट है। दुख का विषय है कि विपक्ष के नेता निंदा करने की जगह सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग महिलाओं को वोट बैंक समझते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव मैदान में उतरने के कारण इंदौर एक विधानसभा सीट चर्चा में है। विजयवर्गीय 10 साल के ब्रेक के बाद चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला कांग्रेस के अरबपति उम्मीदवार और विधायक संजय शुक्ला से है। शुक्ला के पास कार्यकर्ताओं की फौज है और 5 साल में कराए गए कामों की लिस्ट भी। शुक्ला बड़ा नेता वर्सेस बेटा का इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। चुनाव लड़ने में माहिर विजयवर्गीय खुद के नाम और काम के साथ भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी की बात भी कर रहे हैं। फिलहाल मुकाबला कांटे का दिख रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रही। सतना के चित्रकूट में चुनावी सभा के बाद प्रियंका रीवा पहुंची। चित्रकूट में प्रियंका ने कहा, एमपी सरकार रिश्वतखोरी से चल रही है। सीएम कहते हैं कि हम मामा हैं, रिश्ता निभाने से बनता है, वरना कंस भी मामा है। मुझे मतलब नहीं कोई अपने आप को फकीर बोले, मामा बोले। देश की संपत्ति गिने चुने लोगों को सौंप दी, मेरे लिए तो आप भ्रष्ट हो। विधानसभा चुनाव लड़ रहे 2533 उम्मीदवारों में से 727 उम्मीदवार करोड़पति हैं। यह कुल प्रत्याशियों का 29% है, जो वर्ष 2018 के चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों के मुकाबले 5% ज्यादा है। इनमें बुधनी से चुनाव लड़ रहे अब्दुल रशीद कांग्रेस, 82 लाहौर से चुनाव मैदान में उतरे रसाल सिंह बीएसपी 81 साल के हैं। पिछले चुनाव में 24% प्रत्याशी करोड़पति थे। इनमें से 3 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति सबसे ज्यादा घोषित की है। इसमें भाजपा के चैतन्य कश्यप 296 करोड़, संजय सत्येंद्र पाठक 242 करोड़ और कांग्रेस के संजय शुक्ला 217 करोड़ के नाम हैं। प्रदेश के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 2,89,00,000 रुपए है, जो 2018 की औसत संपत्ति 1,73,00,000 से ज्यादा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग में निवाड़ी पुलिस अधीक्षक के खिलाफ शिकायत की है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भोपाल मध्य प्रदेश से, कांग्रेस के प्रत्याशी आरिफ मसूद के विरुद्ध भी कंप्लेन की गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में उज्जैन में ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाया है और यहां बनाए गए स्ट्रांग रूम में इंटरनेट और वाईफाई सर्विस बंद करने व छात्रों के आवागमन पर रोक लगाने की मांग की है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते सागर जिले में प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेताओं की सभा और रोड शो का सिलसिला जारी है। गुरुवार को सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की सभा है। सुर्खी विधानसभा में बिलहरा में भाजपा के समर्थन में पूर्व सीएम उमा भारती सभा करेंगी तो राहतगढ़ में कांग्रेस के समर्थन में पूर्व सीएम कमलनाथ सभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर 2533 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 424 पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। यह जानकारी प्रत्याशियों के शपथ पत्र में सामने आई है।
इनमें कांग्रेस 117, निर्दलीय 110, भाजपा 61, आम आदमी पार्टी 22, आजाद समाज पार्टी यानी कांशी राम 21, बहुजन समाज पार्टी 19, समाजवादी पार्टी के 19 समेत अन्य पार्टियों के उम्मीदवार शामिल है। इनके विरुद्ध हत्या के प्रयास, बलवा मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा, प्रॉपर्टी विवाद, धोखाधड़ी समेत अन्य मामलों में केस दर्ज है। कई उम्मीदवारों ने अपने विरुद्ध आरोप तय होने की जानकारी भी दी है। कुछ उम्मीदवारों के विरुद्ध कोर्ट में चालान भी पेश हो चुका है। आयोग ने इन उम्मीदवारों के लिए दर्ज प्रकरण की जानकारी मीडिया यानी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में प्रकाशित कराने की डेडलाइन 14 नवंबर तय की है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमोह, गुना और मुरैना में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। वहीं प्रियंका गांधी ने इंदौर के सांवेर देवास के खाते गांव में सभा और इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 में रोड शो किया। गुना में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिलाओं पर दिए बयान को भद्दा बताया। पीएम मोदी ने कहा, घमंडिया गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता जो इनका झंडा लेकर घूम रहे हैं, उन्होंने विधानसभा में माताओं बहनों की उपस्थिति में ऐसी भद्दी भाषा में बातें की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्हें कोई शर्म नहीं, कितना नीचे गिरेंगे, दुनिया में देश का अपमान करा रहे हैं। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज।